नमस्कार दोस्तों, हिंदी वर्ड चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आधार कार्ड को लेकर एक बेहद ही बड़ा अपडेट आया है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आई है। सो दोस्तों, 1 जुलाई 2017 से आधार कार्ड के नियमों में जो भी बदलाव किए जा रहे हैं, जो भी नए रूल्स आ रहे हैं, उन सबकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने UIDAI के साथ मिलकर बहुत ही बड़े फैसले लिए हैं और जो है वो अपने आधार के नियमों में बदलाव कर रहा है। तो दोस्तों, आधार कार्ड के जो भी नए अपडेट आ रहे हैं, जो भी बदलाव हो रहे हैं, तो यहाँ पे आप UIDAI की वेबसाइट पे आके देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा बदलाव किया गया है वो यह किया गया है कि अगर आपके खाते से आधार कार्ड लिंक नहीं है तो साल के अंत में जो भी आपका खाता है उसे इनवैलिड कर दिया जाएगा, उसे बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद देखिए जो दूसरी न्यूज यहाँ पे आई है, तो यहाँ आया है कि अगर आप अपने आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड के साथ लिंक नहीं करते हो तो आपका पैन कार्ड भी जो है इनवैलिड कर दिया जाएगा, उसे भी बंद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये जो मैं आपको जो है इम्पोर्टेंट जो है न्यूज बता रहा हूँ, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जो है पैन कार्ड भी बंद हो जाएगा। तो अगर आपने अपने पैन कार्ड से भी लिंक नहीं किया है आधार कार्ड को, तो जल्दी लिंक कर दीजिए, उसके ऊपर ही मैंने वीडियो बनाई। तो देखिए, जो अगला और तीसरा सबसे बड़ा अपडेट आया है आधार कार्ड की तरफ से वो यह है, यानी कि अगर आप अपने आधार कार्ड को अगर आपने अपने पहचान पत्र से भी लिंक नहीं किया है तो अपने आधार कार्ड को आपको अपने पहचान पत्र से भी लिंक करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो जो आपका पहचान पत्र है, जो आपका वोटर आईडी है, उसे भी जो है इनवैलिड कर दिया जाएगा, उसे भी जो है बंद कर दिया जाएगा। और दोस्तों, आधार कार्ड को लेकर जो हमारा अगला अपडेट है वो यह है कि अगर आप अपने आधार कार्ड को अपने सिम नंबर के साथ यानी कि अपने मोबाइल नंबर के साथ रजिस्टर्ड नहीं करते हो, लिंक नहीं करते हो, तो आपका मोबाइल नंबर जो है जल्दी बंद कर दिया जाएगा। ऐसा देखिए, यहाँ पे माई जीओवी की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे देखिए हमने जो PDF डाउनलोड किया है यह जो है माई जीओवी की वेबसाइट से है, यानी कि गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार की जो है यहाँ पे लिंक पे आया है, ठीक है। तो यहाँ पे PDF फॉर्म में हमें बताया गया है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है लिंकिंग आधार नंबर विथ मोबाइल फोन, ठीक है, यानी कि आपको अपने मोबाइल फोन के साथ अपने आधार कार्ड को जो है लिंक करना अनिवार्य है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले जो जुलाई के बाद जो है आपका मोबाइल नंबर को बंद कर दिया जाएगा, ठीक है, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। दोस्तों, जो अगला अपडेट आया है आधार कार्ड की तरफ से वो यह आया है कि अगर आपके बच्चे के पास आधार कार्ड नहीं है तो उसे स्कूल में जो है मिड डे मील, ड्रेस, बैग, तो ऐसी कोई सेवा का जो है लाभ नहीं दिया जाएगा, ठीक है। जो भी भारत सरकार की तरफ से मिड डे मील दिया जाता है और जो ड्रेस या बैग जो है बांटे जाते हैं, तो अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो इस सुविधा का लाभ जो है आपको नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप किसी भी स्कूल में दाखिला लेना चाहते हैं, अपना एडमिशन कराना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी आपको जो है आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। या फिर मान लीजिए कि आप स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको आधार कार्ड लगाना अनिवार्य है, क्योंकि आप वहाँ पे आधार कार्ड नहीं लगाएंगे तो आपका फॉर्म जो है फिल नहीं होगा। ऐसे ही दोस्तों, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो वहाँ पे भी आपको आधार नंबर और पैन कार्ड नंबर जो है देना अनिवार्य है। और दोस्तों, अभी तक क्या होता था कि अभी तक उसमें कुछ रियायत आपको मिल जाती थी कि आपने अभी नहीं लगाया है तो आप इसे बाद में लगा दीजिए या बनवा लीजिए, लेकिन दोस्तों 1 जुलाई के बाद ऐसा नहीं होगा। 1 जुलाई के बाद ये सब चीजें जो है कंपलसरी कर दी जाएंगी और आपको यह लगाना जो है अनिवार्य हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप किसी सरकारी योजना का लाभ लेना चाहते हैं, मान लीजिए आप राशन कार्ड या फिर कोई सेवा का लाभ लेना चाहते हैं जो कि सरकारी गवर्नमेंट सेवा में आता है, तो वहाँ पे भी आपको अपना आधार कार्ड लगाना अनिवार्य होगा, वरना आप सरकार की सेवाओं से भी वंचित रह जाएंगे। जो भी आपको सरकार की तरफ से लाभ दिया जाएगा उससे आप जो है छूट जाएंगे। और जो है दोस्तों, ये सारे नियम जो है 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसे में अगर आपने आधार कार्ड नहीं बनवाया है तो बनवा लीजिए। दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये हमारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर दोस्तों जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथ ही साथ हमारे सिंधी वर्ड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।